हेलो एवरीवन, कार्नोट साइकिल पे बेस्ड हम लोग ये मिरेकल कर रहे थे। उसी सीरीज के अंतर्गत ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एक रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर में जो जितना भी जो वीडियो है उसको देखने के बाद ये मिरेकल बनाइएगा, डायरेक्ट इसको बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले पढ़ते क्वेश्चन क्या कहता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मेंटेन एट टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इफ हीट लीकेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फ्रीजर इज एट द रेट ऑफ 1.75 किलोजूल पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके लिखने का बता दूंगा। सॉल्यूशन देखिए, चाहे हीट हो या रेफ्रिजरेटर हो, जो को भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको बनाइए, मतलब दो रिजर्वायर बनाइए, बीच में ये रेफ्रिजरेटर का केस है, रेफ्रिजरेटर यहां तक तो हीट इंजन बोले, रेफ्रिजरेटर बोले, हीट पंप बोले, तीनों का डायग्राम यहां तक सेम बनता है। अब ये केस है रेफ्रिजरेटर का, ये होता है हमारा हायर टेम्परेचर, ये है लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट हमें मतलब रहता है T2 से, क्योंकि फ्रीजर का जो तापमान है वो कितना करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो बाहर का तापमान है उससे कम तापमान पे मेंटेन करते हैं। वही चीज हमने दिया है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू आपका जो घर का फ्रिज होता है उसका तापमान को इतने पे मेंटेन करना चाह रहा है, ये कितने पे -15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर मान दे रखा है -15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन इसको सॉल्व करने से पहले हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, बट ये बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर है, मतलब फ्रिज का बाहर का जो तापमान है, एटमोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो कितना हाई टेम्परेचर है, इससे ये हाई टेम्परेचर है। ठीक है, जो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द लीकेज फ्रॉम द एटमोस्फियर टू द फ्रीजर एट द रेट ऑफ 1.75 किलोजूल पर सेकेंड, वो बोल रहा है कि आपका जो फ्रिज होगा उसमें इतना हीट लीकेज हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो हीट उसके अंदर जा रहा है फ्रीजर के अंदर उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो ये तापमान मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज इतना हीट कहीं लीकेज हो गया तो ये तापमान मेंटेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तापमान एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो उस तापमान को मेंटेन करने के लिए मतलब क्या है, ये जो वैल्यू दिया है वो क्या है, या तो Q1 हो सकता है, ये Q2 एक ही चीज है, Q1 हो सकता है या Q2, Q1 हो सकता है या Q2, तो ये क्या बोल रहा है लीकेज टू द फ्रीजर, इसमें लीकेज हो रहा है, इसमें लीकेज थोड़ी हो रहा है, ये तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में लीकेज हो रहा है तो क्वेश्चन क्यों बोलता। देखिए ऑप्शन है, फ्रीज में लीकेज हो रहा है जिसको कि हमें वापस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीज में अगर लीकेज हो गया, उसमें अपने आप से चला गया तो क्या होगा, जो -15 डिग्री टेम्परेचर है उस पर नहीं रह पाएगा, तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या चीज दिया है, Q2 का मान दिया है, यही चीज आपको समझना है, ये दिया आपका किलोवाट, 1.75 किलोवाट जूल पर सेकेंड का मतलब होता है वाट। ठीक है, और कुछ है कि ये जो लीकेज हो रहा है इसमें उसको वापस निकालने के लिए मेंटेन करना है इतना तापमान, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब कार्य करना पड़ेगा, कितना पावर मतलब कितने किलोवाट पावर सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं जो कार्य है उसका, यहाँ पे हम लोग वाट में लेंगे, किलोजूल में नहीं लेंगे, किलोवाट में, क्योंकि ये किलोवाट में लिया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन दैट, देखिए क्या दिया है यहां पर भी सेम वही सब चीज करना है। T1 बराबर कितना दिया है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करिए तो 273 में 30 डिग्री को ऐड कर देना है, तो यह आ गया 303 केल्विन। T2 कितना दिया है, तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 में -15 कर दोगे तो आ जाएगा 258 केल्विन। Q2 दिया है, कितना दिया है Q2, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1.5 किलोवाट जूल पर सेकेंड का मतलब ये होता है वाट। ठीक है, देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को रन करने के लिए हमें कार्य
निकालने के लिए कहा गया। फिर से वही सारा डायग्राम यहाँ पे बना देना सिंपल सा, से समझ में आता है। टी वन का मान जो भी होगा, टी टू का मान 258 है, लिखते चलते हैं, 303 है। ये है आपका क्यू टू, क्यू वन रेफ्रिजरेटर उल्टा डायरेक्शन में घूमता है, आर लिख देंगे और इसको वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ये जरूर बनाइए इसके साथ में। अब वी नो दैट तो जो सीओपी ऑफ वी नो दैट इसका जानते हैं इसका क्षमता सीओपी मानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो रेफ्रिजरेटर का होता है क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट, तो डिजायर्ड इफेक्ट यहां पे ये वाला है टी टू टेम्परेचर टर्म में लूंगा और टी वन माइनस टी टू। अब ये वैल्यू रख देते हैं, टी टू को माना है 258 बाई कितना आ जाएगा 303 माइनस 258। ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो लगभग आता है 5.73 के आसपास। ये आ गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है 5.73। ठीक है कैलकुलेशन और देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सिंपल आप कैलकुलेटर उपयोग करिए और ये वैल्यू आएगा। तो ऊपर मैं बताता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए 1 2 3। ठीक है आगे देखिए, ये तो सीओपी का आपको तीन फार्मूला है। आप अगर ध्यान देंगे तो सीओपी का तीन फार्मूला है, सीओपी फॉर रेफ्रिजरेटर पे ही आप देखोगे क्या क्या होता है। एक होता है टी टू बाई टी वन माइनस टी टू, एक होता है क्यू टू बाई क्यू वन माइनस क्यू टू और एक होता है क्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो ये सभी फार्मूले आपको याद होना चाहिए फॉर हीट पंप, फॉर रेफ्रिजरेटर एंड फॉर हीट इंजन। ये बेसिकली ऐसी इसी टाइप का है उसमें भी, तो ये सब चीजें याद होना चाहिए। तो एक लाइन का रहता है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, लेकिन समझने में मिस्टेक होता तो नहीं बना पाते। 5 नंबर में आता है क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है तो आइए कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू का मान। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अगेन हम लोग सीओपी के लिए कैलकुलेट करें, तो सीओपी ऑफ जो रेफ्रिजरेटर होता है वो क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट Q2 डिवाइडेड बाय W। तो W बराबर क्या आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय COP ऑफ R, मतलब ये कितना है 1.75 किलोवाट डिवाइडेड बाय कितना है 5.73। ठीक है तो W का मान लगभग आता है 0.307, कैलकुलेट कर लीजिएगा लगभग इसके आसपास आएगा। तो ये किलो जूल पर सेकेंड लिखो या किलो वाट लिखो, तो दिस मच अमाउंट ऑफ पावर मतलब 0.3 300, इसको और आगे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लगभग 360 वाट पावर की जरूरत पड़ेगी टू मेंटेन दिस मच टेम्परेचर एट योर फ्रीजर। फ्रीजर में -15 डिग्री तापमान पे रखना है, आपको फ्रीजर को इतने पावर का हीट सप्लाई करना पड़ेगा 307 वाट का लगभग। ठीक है